लोकसभा ने GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से जुड़े चार अहम बिल को पास कर दिया है। जो पिछले 70 साल से चल रही थी एक टैक्स व्यवस्था, उसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था के चार कानून लोकसभा ने पारित किए हैं, और ये पारित होना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है उस दिशा में। अब ये राज्यसभा में जाएंगे और राज्यसभा के पश्चात ये कानून बनेंगे। CGST लॉ का एक मिरर इमेज लॉ राज्यों को बनाना पड़ेगा। जो राज्यों को अधिकार मिल जाएगा अब अपनी विधानसभाओं में उसको लेकर जाना, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पारित होगा, और जो हमारी डेडलाइन है उसके मुताबिक हम लोग आगे चल रहे हैं। विपक्षी कई सांसदों ने इस बिल से जुड़े कुछ संशोधनों को सदन में रखा, लेकिन लोकसभा ने वोटिंग के जरिए इसे नामंजूर कर दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इससे टैक्स टेररिज्म का खात्मा होगा और इस पर सभी फैसले GST काउंसिल की सहमति से होंगे। पहला कानून है सेंट्रल GST लॉ। सरकारी विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के उल्लंघन के मामले में दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि वो आम आदमी पार्टी से विज्ञापन पर खर्च हुए 97 करोड़ रुपए की वसूली करें। उपराज्यपाल ने कहा है कि 30 दिन के भीतर AAP से इस रकम की वसूली की जाए। आरोप था कि विज्ञापन में सरकार के काम को झाड़ू के निशान और CM अरविंद केजरीवाल के नाम का इस्तेमाल कर पार्टी की उपलब्धियों के तौर पर पेश किया गया। साथ में दिल्ली के बाहर भी विज्ञापन पर खर्च किया गया।